Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. I hope आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे और अब तो बिल्कुल रमज़ान का एंड होने वाला है, आखिरी अशरा भी तकरीबन अख्ताम को पहुंचने वाला है. अच्छा, आज की जो रेसिपी है वो बहुत आसान और आई थिंक सबकी फेवरेट होगी और बच्चों की सबसे ज़्यादा फेवरेट होगी. इवन जब खुद मैं बहुत छोटी थी, बच्ची थी, जब बहुत छोटी मतलब वही ना बच्ची थी, तो तब मुझे खुद बहुत पसंद थी. और ये आज हम बनाने लगे हैं चूरी. आज जनाब रोटियां पकाई थी, काफ़ी ज़्यादा बच गई, सो मैं सोच रही थी कि इसका क्या किया जाए. तो फिर अब मैंने फैसला किया कि मैं इसकी चूरी बना लेती हूँ. और जैसे कि ये मुझे बचपन में पसंद थी, उसी तरह से मुझे अभी भी ये बहुत पसंद है. चूरी बनाने के लिए सिंपली हमने देसी घी लेना है. ये पहले थोड़ा हार्ड था, सॉलिड था, इसको मैंने ओवन में गर्म कर लिया है. उसके बाद 5 छोटियाँ हमारे पास हैं चीनियाँ और एक हमारा जो इंटरनेशनल पाकिस्तानी सेट है उसका प्यारा सा बाउल ले लिया. अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ऑयल को इस बाउल में डाल लेना है. देन चीनी को डाल लेना है और इन रोटियों के पीसेस करके इसके अंदर डाल लेने हैं. ये जनाब कुछ इस तरह से हमने रोटियों के पीसेस कर लिए हैं. इसके अंदर अब हम इन रोटियों को मिक्स कर लेंगे. कर लिया लेकिन इसमें मुझे ज़रा देसी घी कम लग रहा है, तो ये मैंने देसी घी और ऐड कर दिया. ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको मैंने अभी गर्म नहीं किया. अब हम इस सब को जस्ट फॉर 1 मिनट ओवन में रखेंगे, उसको गर्म करेंगे. देन हम इसको इसके जो रोटी के पीसेस हैं इसको और छोटा छोटा और बारीक कर लेंगे. ओवन के अंदर हमने रख दिया है. अब हमने 2 मिनट्स का टाइम लगाना है, सॉरी 2 सेकेंड्स का, और स्टार्ट कर देना है. अच्छा जी, ये हो गया है, लेकिन ये अभी जो घी है वो ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ, लेकिन हम इसको पहले अच्छी तरह से मैश कर लेंगे. देन हम एक दफ़ा फिर इसको ओवन कर लेंगे, क्योंकि रोटियां इस तरह से बहुत गर्म हो जाएंगी और हमारे से पीसेस नहीं किए जाएंगे. इस तरह से जनाब हमने अच्छी तरह से इसको मैश करना स्टार्ट करना है, ताकि ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए. अच्छा जनाब, आप देख सकते हैं कि हमने इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कर लिया. और ये बनाते बनाते ना मेरे जहन में एक ख्याल आया कि हम इसको चूरी क्यों कहते हैं. शायद हम रोटियों को जो है ना, रोटियों के पीसेस को चूर चूर कर देते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम चूरी रखा हुआ है. ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से जनाब इसके ये छोटे छोटे पीसेस हो चुके हैं. अब हमने क्या करना है कि हमने इसके बना लेने हैं लड्डू. लड्डू ना हमें मामा बना के देती होती थी छोटे होते हुए. सो अब हम इसके थोड़ा सा इसको और चूर करके, मतलब के पीसेस में करके छोटे, देन हम इसके लड्डू बनाएंगे. ये जब हम छोटे होते थे तो हमारी मामा जनाब हमारे लिए इस तरह से, जब हमने ट्यूशन से या स्कूल से आना, और पता है छोटे बच्चे तो बहुत नखरे करते हैं रोटी बनाते हुए,
वो रोटी बनाते हुए कह रही हूँ, सॉरी रोटी खाते हुए, तो मामा हम भी इसी तरह से करते थे। तो मामा वो रोटी खिलाने के लिए ना हमें इस तरह से लड्डू बना के रखती थी और हम लोग फिर शौक से खा लेते थे। जनाब हमने लड्डू बना लिया कुछ इस तरह से, ये हमारा आखिरी चूड़ी का लड्डू था, वो भी रेडी हो चुका है, अब हम आपको दिखाते हैं। टेन टेन, हमारे लड्डू रेडी हो गए चूड़ी के। ओहो, इसको बेचारा खुल गया, कोई बात नहीं, खैर ही है, जाना तो पेट के अंदर ही है। बस वैसे खुश करने के लिए ना बच्चों को, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मामा हमें खुश करने के लिए जनाब रोटी को एक लड्डू की शेप दे देती थी, हम खुशी खुशी खा लेते थे, हमें लड्डू मिल रहे हैं। इसी तरह आप भी अपने बच्चों को जो है ना धोखा दे के, उन्हें ज़रा दाशा लगा के आप उनको इस तरह से चूरी बना के दें और उन्हें खिलाएं, और आई होप कि आपके बच्चे रोटी खा लें। तो जो जिनकी भाई अम्मियाँ जो ये वीडियो देख रही हैं, जिनके बच्चे हैं और वो नहीं खाते, और अगर वो इस तरह से खा लेंगे तो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। उसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। भाई किनिया घर मिनता करानिया ने, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, ओके, सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आप लोगों को चूड़ी की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।